Let's begin the journey to heart. खूब शेरो शायरी करेंगे क्या आज? दिल की बात हो रही है, दिल का दर्द बयां होना चाहिए, है? बहुत दर्द है इस सीने में ए गालिब, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट क्या है, इसका ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। वेट क्या है हार्ट का? दुनिया का सब बोझ लिए यही खड़ा है। कितना वजन है इसका? सारे दर्द का बोझ किसके हाथ में है? दिल के पास है। अरे इतना भारी नहीं है, इतना कुछ करीब 250 ग्राम के आसपास, 250 से 300 दे देते हैं। अरे तो क्या हो गया? काम तो दिल का है ना। वेट, पोजीशन, कहाँ है दिल? मेरे को लगा सीने में है ऐसा बोलेगा। ये जो एपेक्स ऑफ हार्ट है, एपेक्स ऑफ हार्ट है वो किधर की ओर टिल्टेड है? टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट है। ये पहला कहानी हार्ट का। लिखो इस बोर्ड को। टिल्टेड जैसे तेरा दिल चले जाता है ना रोड में चलते चलते। कुछ नगमे, कुछ खूबसूरत चेहरे देखकर, है ना? हाँ, नींद आ रहा है क्या? चल लिख लिया बोर्ड ना। ओह गॉड, क्या है? शांत शांत शांत। आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। जो आउटर क्या हो गया? जो आउटर कवरिंग है हार्ट का उसको क्या कहते हैं? ए भाई तो पेरिकार्डियम। पेरी वर्ड का मतलब पेरिफेरल और क्या है? कवरिंग है। ठीक, एक पार्ट होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा होता है सीरस पेरिकार्डियम।
एक होता है फाइब्रस, फाइब्रस पेरिकार्डियम इन द सेंस, ये तो काट का हार्ट को काट के दिखा गया, सेक्शन में दिखा गया, उसके ऊपर का जो कवरिंग होगा सबसे ऊपर का उसको फाइब्रस पेरिकार्डियम कहा जाता है, दूसरा को सीरस पेरिकार्डियम कहा जाता है। इसी सीरस पेरिकार्डियम का दो पार्ट है, एक को विसरल कहते हैं और दूसरे को पैराइटल कहते हैं। विसरल मतलब कि अंदर की ओर कवरिंग और पैराइटल मतलब बाहर की ओर कवरिंग। इसी पेरिकार्डियम में अगर मान लो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया, अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा इसी पेरिकार्डियम में तो क्या होगा, पेरिकार्डाइटिस। फिर वही कहानी, फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, इन्फ्लामेशन होगा, पेन आएगा और सब सिम्टम्स आएंगे। ठीक, रेड वाला दिख रहा है क्या? ठीक, लिखो। क्या चीज? कट सेक्शन दिखाया गया, काट के दिया गया है हार्ट को, ओपन सेक्शन में है हार्ट। ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, फ्लूइड रहता है क्यों, वो फ्रिक्शन बलेस बनाने के लिए, लेकिन एक समय के बाद जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा नॉर्मल रेंज से तो पेरिकार्डाइटिस इन्फ्लामेशन के बाद इन्फ्यूजन होने लगेगा। लिख लिए सब? हाँ, यहां दो साइनसेस रहते हैं जिसको पेरिकार्डियल साइनस कहा जाता है। साइनस, साइनस वर्ड का मतलब होता है जहां पे हॉलो स्पेस है,
जहाँ पे हॉलो स्पेस है उसको साइनस कहा जाता है। तो दो साइनस है, एक ये रीजन का है, ये जो साइनस है हार्ट का, इसको ट्रांसवर्स शेप में, ट्रांसवर्स कैसे होता है, सीधा लाइन एक होता है ना, तो उस आसपास में है, तो इसलिए इसको ट्रांसवर्स साइनस कहते हैं। ये किसके पास रहता है, एक है मेरा दिख रहा है, अरोटा है पीछे में, अरोटा है ठीक, सुपीरियर वेना कैवा है पीछे में ही, और क्या है एक पल्मोनरी ट्रंक है। ये देखो तीन है यहाँ, एक दो तीन ठीक, एक सुपीरियर वेना कैवा ठीक, एक एरोटा है सबसे मोटा सा, और एक पीटी पल्मोनरी ट्रंक। ये तीनों, ये तीनों के नीचे ही है वो साइनस। इस साइनस का इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या करता है स्पेस क्रिएट करता है, जब फूलता है तो स्पेस क्रिएट करता है। दूसरा अगर क्लिनिकल वर्ड्स में, तो जब डॉक्टर्स कार्डियोथोरेसिक सर्जरी करते हैं तो क्या करते हैं, इस दोनों को लाइगेट कर देते हैं, तो क्या होता है ब्लड फ्लो इन्फ्लेशन कम हो जाता है, कार्डियक सर्जरी के टाइम काम आता है ये, एक तरह का लैंडमार्क टाइप है ठीक है। जब कार्डियोथोरेसिक सर्जन यूज करते हैं तब वो इस स्पेस को यूज करते हैं एज एन, यहाँ पे एक रहेगा इसी टाइप का एक ऑब्लिक, इसको ऑब्लिक साइनस कहते हैं। ठीक, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियम हो गया, पेरिकार्डियल साइनस हो गया, दो पार्ट जो एक्सटर्नल में है। लिखे इसको, लिखो लिखो, ट्रंक 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 मोटा सा होता है यार, फिर यहां से फिर बाइफर्केशन होता है पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरीज का। लिख लिया, चले आगे। हाँ, आराम करो, 5 मिनट डायग्राम बनाता हूँ।
दिखेगा, रुको। बन गया पक्का? ठीक, ये है मेरा क्या है, लेफ्ट क्या, आर्टरी। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक, ये पूरा हार्ट का लाइन डायग्राम है। ये है मेरा, नीचे से आ रहा है मतलब इंफीरियर वेना कैवा, ये ऊपर से आ रहा है मतलब सुपीरियर वेना कैवा। ठीक, अब वाल्व है, ये जो वाल्व है, जो पहला वाल्व है उसको एस्चेशियन वाल्व कहते हैं, एस्चेशियन वाल्व। ये किसको गाइड कर रहा है? इंफीरियर वेना कैवा को लेफ्ट एट्रियम में गाइड कर रहा है। ठीक है, जो दूसरा वाल्व है मेरा, वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है, मस्कुलर वाल्व। क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। दूसरा जो वाल्व है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को कौन गाइड करता है? बाइकस्पिड, या दूसरा नाम मिट्रल वाल्व। हाँ, मिट्रल वाल्व। ठीक, उसके नीचे, सबसे नीचे दो और वाल्व हैं जो कि सेम वाल्व है दोनों में। क्या है? मून शेप्ड वाल्व है जिसको कहते हैं हाफ मून। हाफ मून शेप्ड है, क्या कहते हैं भाई, बोलो। अबे इस नाम बताओ, सेमी लूनर वाल्व। ठीक, ये सब वाल्व लिया मैं एक साथ। ठीक है, कौन किसको गाइड करता है तुमको पता है। ठीक है, अब यहां पे जो ये है इसको कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। ये मेरा लंग्स को जाएगा, क्या लेके, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। हाँ, यहां से दोनों साइड से ब्लड आया, सुपीरियर वेना के मतलब ऊपर के पार्ट से, नीचे के पार्ट से ब्लड आया। लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गार्ड है किया ट्राइकस्पिड वाल्व, बल्ब ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से निकल के ये गया लंग्स को, लंग्स से फिर ब्लड किधर से वापस आएगा? तो क्यों, कौन से रास्ते से, इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी। यस, पल्मोनरी वेन्स। ठीक, ब्लड वापस आया, इस लेफ्ट राइट एट्रियम में ही खुल रहा है, चार वाल्व खुलते हैं तो मैं वापस बनाया हूँ, ये पीछे से है ना, इधर से नहीं आ रहा है। ठीक, राइट एट्रियम में ब्लड आया लंग्स लेके ऑक्सीजनेटेड, अब क्या कहाँ जाएगा वो? राइट वेंट्रिकल को कौन गाइड कर रहा है? मिट्रल वाल्व। ठीक है, यहाँ पे सेमी लूनर वाल्व है, अब ये राइट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ लेके जाएगा? बॉडी पार्ट्स किसके थ्रू? आओटा। ठीक, ये लार्जेस्ट सिस्टम है अपना। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है ब्लड का, वो इतना बड़ा पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है। ऊपर देखें, नहीं भाई, वो हार्ट में वैसे बना हुआ है, ये लाइन डायग्राम है, ये बॉक्स डायग्राम है, इसलिए ऐसा है। हार्ट इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, समझाने के लिए लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे है कॉर्डा टिम्पैनी, टिंटेंडे। ठीक, कॉर्डा टिंडेनी,
ये क्या करता है, लंग्स जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पंपिंग का काम करता है एक तरह से, है ना, ये स्क्वीज करके रखता है, आगे जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक मस्कुलर है, फाइबर बोलो मस्कुलर बोलो, क्या करता है, होल्ड करके रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक मसल्स हैं, ठीक। अगर तुम एंटिसिपेट कर पा रहे हो तो इधर थिन बनाया हो, इधर थिक बनाया हो, इसको पैपिलरी मसल्स कहते हैं, पैपिलरी मसल्स। ये एक्चुअली क्या काम करता है, जब मैं पहले भी बताया था क्या होता है, राइट वेंट्रिकल का इजैकुलेशन फ्रैक्शन देखते हैं, क्योंकि ये इसको क्या करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल को सिर्फ लंग्स तक पहुंचाना है, और इसको क्या करना है, पूरे बॉडी को पहुंचाना है, इसलिए यहाँ के मसल्स क्या हैं, स्ट्रांग है और मोटे हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिख जाऊं, जो राइट वेंट्रिकल है उसमें क्या है, थिक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें क्या है, थिन है, ठीक। अगर ये मसल्स डैमेज होते हैं अल्टीमेटली तो क्या होगा, बॉडी को कम ब्लड पहुंचेगा, कम ब्लड पहुंचेगा तो फिर डिक्रीज हो रहा है, इजैकुलेशन फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, वेंट्रिकुलर इजैकुलेशन फ्रैक्शन जो बताया, ठीक। ऐसे ही पूरा सिस्टम चलता रहता है, वो जो पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो ये पूरा डायग्राम में है ना, पढ़ लो पूरा पैराग्राफ, क्या हुआ नहीं समझ में आया तो बताना, फिर से बताऊंगा, नहीं आया, सुना एक शायरी तब बताऊंगा। पहले ब्लड आया, उस अभी डबल सर्कुलेशन आएगा, ये एनाटॉमी है, जब फिजियोलॉजी बताऊंगा तो वो फिर से आएगा। अरे यार तू बहुत आगे आगे चलता है, रुक जाना, इसके बाद वाला वर्ड है, इसके बाद के पैराग्राफ में है नोट्स, तो मैं बताऊंगा जंप कहाँ करे जाऊंगा। हाँ समय बहुत है मेरे पास, क्या कर रहा था पहला वाला, अभी जो बता रहा था, सो रहा था, नींद लग रहा है क्या है? क्या बोल, तेरे को लग रहा है? सुना शायरी तब बताऊंगा आगे, उसको बोलता है जिसको डाउट, दिल का बात हो रहा है, दिल की बात होनी चाहिए, हैं? आइए सुनाएगा सर, मेरे को नहीं आता ये बता। चलो नींद नींद का बात हो रहा है तो मैं ही एक सुना देता हूँ, है ना, इसके लिए हेमंत के लिए। जब आएगा तब सुनाओ। लिखो या फोटो खींच लो, जो करना है। ये फाइबर्स हैं एक तरह का, लिखा तो वहां पे फाइबर की तरह होल्ड करके रखें, क्या होगा, श्रिंक करके उसको अंदर की तरह होल्ड करके रखें, अगर वो खुलेगा तो क्या होगा, ये वाल्व है, वो ब्लड रिगर्टेशन में ऊपर चल जाएगा, और मसल्स पंप करते हैं। हाँ क्या हो गया, फोटो खींच लिए, कर रहे हैं भाई लोग, रुक जाओ, सब फोटो खींच रहे, इतना हड़बड़ी किस बात का है तेरे को, सर्कुलेशन जो आएगा ना वो फिजियोलॉजी, इसको एनाटॉमी कहते हैं हार्ट का, ठीक है। जब आया फिजियोलॉजी में बताऊंगा कि कैसे कैसे आ रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, पहले एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं। हम्म।
कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, दिल धड़कना, है ना। सबसे पहला है मेरे पास जिसको कहते हैं एस ए नोड, दूसरा है मेरे पास ए वी नोड, ठीक है। तीसरा है मेरे पास बंडल ऑफ हिस कहते हैं, या उसको ए बी बंडल भी कहते हैं। जो चौथा है मेरे पास वो है पुर्किंजी फाइबर्स। ये चार हैं मेरे पास जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं। फोटो खींचो जल्दी 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 फोटो खींचो। एक और पार्ट, ये एक्चुअली क्या है, ये चारों एक मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स हैं। मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स हैं मतलब कि लिख दो क्या मैं यहाँ पे, नोडल टिश्यू। हाँ अरे मैं तेरे को बताना भूल गया ना, बताता लास्ट में। सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ रहा है। जल्दी जल्दी कर लिए क्या फोटो वोटो? चलो भाई लेट्स यूड ब्लैकबोर्ड। चलो मैं बताता दिल कैसे धड़कता है। धक 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 ऐसे नहीं, लब डब वो सब कुछ नहीं। किसके वजह से धड़क रहा है, साउंड का बात नहीं कर रहा। दिल एक्साइटेड हो जाता ना तुम लोग तुरंत। फॉर एन इंस्टेंट ये एस ए नोड कहाँ पे पोजीशन, कुछ नॉर्मल बात पढ़ा देते हैं जो एनसीईआरटी कहता है, उसके बाद एक्स्ट्रा। अपर, ये अगर डायग्राम देखो ये क्या है, अपर, अरे नहीं हो रहा, चलो अपर राइट कॉर्नर ऑफ अपर राइट कॉर्नर ऑफ हाँ ठीक। ये कितना, इसको दूसरा क्या कहते हैं अपन, पेस मेकर ऑफ हार्ट। ये कितना इंपल्सेस जनरेट कराता है, 70 से 75 के बीच में बीट्स पर मिनट, ठीक। मतलब कि एक रिदम मेंटेन करके रखा है। इसका और काम क्या है, एच आर जनरेशन, हार्ट रेट जनरेट भी यही करेगा चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। दूसरी बात कहाँ लिखू, नहीं लिख देता इसको। अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहोगे तो इसको क्रोनोट्रॉफी कहा जाता है, क्रोनोट्रॉफी एजेंट, क्रोनोट्रॉफी एजेंट्स। मैं बताऊंगा पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफिक और नेगेटिव क्रोनोट्रॉफिक, दो पार्ट होता है पॉजिटिव और। ठीक, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफिक और नेगेटिव क्रोनोट्रॉफिक। एस ए नोड राइट को अपर राइट कॉर्नर में है, 70 से 75 बीट्स जनरेट कराता है, और एक एच आर जनरेशन में भी इसी का हेल्प है, क्रोनोट्रॉफिक एजेंट है ये।
देख लिए सब? टू फास्ट ऐसा तो आय का एक क्लास ये लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है इसका दूसरा काम क्या है रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट अगर ये अपना काम करना बंद कर दे प्रॉपर से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं करने लगे तो उस कंडीशन को क्या इसको रिदम को क्या लगा देंगे अगर मैं आरिथमिया नाम का डिजीज हो जाएगा मतलब इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट अचानक से आप बैठे हो और अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाए अचानक से हार्ट बीट स्लो हो जाए है आप बैठे हो अचानक से कोई प्रॉब्लम नहीं है अचानक से हार्ट बीट पंप करना ज़्यादा स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा पेस मेकर ऑफ हार्ट डिस्टर्ब हो गया उस कंडीशन में क्या अपन रिप्लेस करते हैं इस कंडीशन में ही तो पेस मेकर दूसरा पेस मेकर लगाते हैं मैकेनिकल बाहर से बैटरी सर्जरी करते हैं पेस मेकर इम्प्लांट करते हैं ऐसे नोड की जगह ठीक लिखे इसको जल्दी जल्दी ले लिए जिसको कॉपी में लिखना है कॉपी में लिख सकता है मैं वेट कर रहा हूँ कोई हड़बड़ाने वाला बात नहीं है ऐसा क्या होगा क्या ऐसा है क्रिस इतना सिस्टम का जरूरत नहीं है बढ़ो आगे अब तो लिखना पड़ेगा अब तो लिखना पड़ेगा भाई एस ए नोड जो है वो एक्चुअल में कितना रिदम कंट्रोल कराता है ये अब मैं बताता हूं यहां पे अब तो लिखना पड़ेगा 100 बीट्स पर मिनट ये उसका एक्चुअल है ठीक है लेकिन हमको कितना मिलता है 70 से 75 बीट्स पर मिनट तो मतलब कि 20 से 25 बीट्स कोई खा जा रहा है ना कौन खा रहा है ये नाम सुने हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसका कौन सा दो पार्ट क्या होता है नहीं जो जो लोग सुने हैं उनका बात कर रहा हूँ पैरासिंपेटिक नर्वस सिस्टम और बता भाई सिंपेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा है कि नहीं न्यूरो एनाटॉमी क्या क्या रही है 11th में झाल बजा रहे थे जो सिंपेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो काम करता है हार्ट रेट बढ़ाने में और पैरासिंपेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है हार्ट रेट घटाने में इस सिंपेटिक नर्वस सिस्टम के कारण उसका हार्ट रेट इतना होना चाहिए ठीक है लेकिन पैरासिंपेटिक नर्वस सिस्टम थ्रू अ नर्व 10th क्रेनियल नर्व जिसको वेगल नर्व कहते हैं इस नर्व के कारण वो क्या करता है आप अगर एक गाड़ी चला रहे हो अगर आप एक्सलेटर दबा रहे हो 100 के स्पीड में लेकिन आप चाहते हो कि स्पीड 70 के आसपास रहे लेकिन आपका आदत है एक्सलेटर दबाए तो क्या करोगे हल्का सा ब्रेक लेके चलाओगे तो क्या होगा थोड़ा सा इनिबिटरी इफेक्ट आएगा है ना इनी
बैटरी इफेक्ट आएगा तो क्या होगा आपका ये सिस्टम 70 से 75। लेकिन अगर आप सुनोगे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, अचानक से कुछ डर लगता है, ठीक है, तो वेगल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सॉरी कट ऑफ हो जाता है। तो अगर ये सिस्टम कट ऑफ हो गया तो हार्ट रेट किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा अल्टीमेटली? SNS के कारण। इसीलिए हार्ट रेट 110 110 110 102 ऐसे फ्लक्चुएट होते रहता है उस टाइम जब आपको डर लगता है। पेपर देखे कुछ नहीं आता, ICR का पेपर देने गए अचानक से कुछ नहीं आता है, तो रुकेगा नहीं और बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक रुक नहीं पाए। SNS काम करेगा, वो हार्ट बीट को 100 के बीच में लेके जाएगा, ठीक, ऐसे पूरा काम करता है। इसको यूटिलाइज करने के लिए, इस पूरे मैकेनिज्म के लिए क्या चाहिए? पूरा हार्ट क्या एक तरह का सर्किट सिस्टम है ना, उसके लिए क्या चाहिए सर्किट फ्लो कराने के लिए? हाँ, क्या? इलेक्ट्रिसिटी, करंट। मेरे को क्या चाहिए? करंट। उस करंट को कहां से मिलेगा मेरे को? उसका नाम है फनी करंट्स। फनी करंट्स, ये करंट क्या करेगा? पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एन इंस्टेंट अगर मेरे को पेसमेकर चेंज नहीं करना है पेशेंट का, अभी इतना सिचुएशन नहीं आया, लेकिन उसको कार्डिक एरिथमिया है, मतलब उसका हार्ट रेट ऊपर नीचे हो रहा है SN नोड के कारण, तो क्या करूँगा मैं? अब ये फनी करंट का ऐसा ब्लॉकर्स डाल देते हैं जो कि क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करके रखेगा। जिस कंडीशन को क्या करते हैं? ब्रेडीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब कि हार्ट रेट बढ़ना, ब्रेडीकार्डिया मतलब हार्ट रेट घटना। तो कोई डॉक्टर अगर मान लो ऐसा दवा लिखा जो हार्ट रेट को घटा के रखा है, मतलब कि इस फनी करंट को ब्लॉक कर दिया, ऐसा कोई दवा दिया जो फनी करंट को ब्लॉक कर दिया, अब करंट ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा? वोल्टेज कम हो जाएगा कहीं कभी, तो यहाँ का बीट्स, ये पूरे बीट सिस्टम कम हो गया साथ साथ। लेकिन एक यहीं पे पढ़ा देता, एक साइड इफेक्ट होता है हार्ट के पेशेंट्स के साथ। आप देखोगे अगर वो हार्ट का पेशेंट है और वो दवा पे है तो उसको कम दिखता है, उसका विजुअल एक्विटी घट जाता है। क्यों? क्योंकि यही फनी करंट जो होता है वो आंख से भी सिस्टम को लेके जा रहा है। कम दिखना हो पड़ जाए उसके एज ए साइड इफेक्ट। ये क्यों दिए हम? मेडिसिन के लिए। लेकिन उसके साइड इफेक्ट में क्या मिलेगा मुझे? उसे कम दिखेगा, ब्लाइंडनेस नहीं मिलेगा मैं। ऐसे नेट पूरा ऐसे काम कर रहा है, पूरा ऐसे नोड इतना ही है। अब मेडिकल कॉलेज में भी जाके पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में तो भी इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा है? इससे ज्यादा में बस एक ही पार्ट है, वो फनी करंट का नाम क्या है दवा का, तो मैं बोर्ड पे तो नहीं लिख सकता ना, कोई दवा खा लिया तो। ऐसे नाम उसका इवाब्राडिन। हाल ए दिल बताया नहीं जाता, दिल में बहुत दर्द है। क्या गालिब? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। चले लिख लिए इसको, अब दूसरा क्या है? AV नोड।
वेवी नोड कहाँ पे होता है सिचुएटेड? लेफ्ट लोअर साइड ऑफ कौन सा एट्रियम? राइट एट्रियम। ये जो बीट्स क्रिएट कराता है वो होता है 60 से 65 बीट्स पर मिनट, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पेस सेटर। एक है मेरा पेस मेकर, दूसरा क्या है? पेस सेटर ऑफ हार्ट। ठीक, अब क्या है उसके बाद? बंडल ऑफ हिस, यानी तो दूसरा नाम इसका एवी बंडल। एवी बंडल क्यों? एक झाड़ू ऐसा है, ये एक नोड है, ठीक है, एक पॉइंट है जहां से बहुत सारे पॉइंट निकल रहे हैं, है ना। ये पूरा इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम पे या आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे है ना, तो एक झाड़ू है जो कि उस सिस्टम पे, और वहां से पूरे बंडल्स निकल रहे हैं, इसलिए उसको बंडल ऑफ हिस या एवी बंडल कहा जाता है। इसके बीट्स कहाँ पे है? 40 से 45 बीट्स पर मिनट। ये कहाँ पे है? आर्टरियोवेंट्रिकुलर सिस्टम पे है। अब बचा क्या मेरा? पुर्किंजी फाइबर्स। इसका बीट्स है 20 से 25 बीट्स पर मिनट। हाँ, हो गया भाई पूरा। इसका भी सिचुएशन लिखिएगा तो लिख लो। इंटरवेंट्रिकुलर इंटरआर्टरियल सेप्टम पे है, दो एट्रियम के इंटरवेंट्रिकुलर, दो वेंट्रिकल्स के बीच पे है ये। लिखो लिखो। फिर यॉनिंग कर रहा है आ? आज इसको आ रहा है नींद से? क्या सिखवा जो तुझे आती ही नहीं रात भर? कसूर तो उस चेहरे का है जो तुझे सोने ही नहीं देती रात भर। किसका चेहरा देख के आता है रात में रात भर में से मोबाइल देख? अभी मैसेज आएगा, अभी मैसेज आएगा। हो गया, लिख लिए। ये जो वाल्व है एक्चुअली में क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ मायोकार्डियल टिश्यूज एक तरह का, ठीक है, हाँ, रिगर्टेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है उसको कौन सा वाल्व कहते हैं? ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड? फिर जो लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है उसको क्या कहते हैं?
ठीक, एक दो, तीसरा जो राइट वेंट्रिकल और एओटा के बीच में है उसको क्या कहते हैं? सेमी लूनर वाल्व। साथ साथ जो लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में है उसको क्या कहेंगे? सेमी लूनर वाल्व। ये चार, ये तीन वाल्व है जो एग्जाम में मोस्टली आता है। सब दिया है ये, ट्राइकस्पिड वाल्व नहीं दिया है, बाइकस्पिड वाल्व नहीं दिया है, सेमी लूनर वाल्व नहीं दिया है, दिया है ना, बस ये नहीं दिया है कि उसमें भी ये भी दिया हुआ है कि किसके किसके बीच में लिखा हुआ है। मैं अलग से सेपरेट करके लिखा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं भाई तेरे लिए। ठीक।